हमारी बराबरी के दूसरी बार ये प्रधान चुने गए हैं। ये विनम्र स्वभाव, काम करने की और बात करने की अपनी एक सरल शैली, ऐसी भावनाओं का मालिक भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी इस वक्त मंच पर गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ सादर विराजमान हुए हैं। दशरथ को जब ऐसा कहा गया तो दशरथ राम जी उनके दिल का अंदर एक सपना है, किसी तरह कभी भी राम जी को एक पल के लिए भी मैं जुदा न करूं, लेकिन वशिष्ठ जी की आज्ञा अनुसार राम जी को 10 दिन के लिए भेजा गया। मैंने कल किसी जगह देखा ऐसा लिखा हुआ था कि 10 दिन मुझे विश्वामित्र जी के साथ रहे श्री राम जी। तो गुरुदेव ने सबसे पहले अपने शिष्य को शिक्षा दी, धनुष विद्या सिखाई। धनुष विद्या सीखने के बाद भगवान श्री राम जी ने अपने कर्तव्य पर आए, महाराजा जनक के दरबार के अंदर चल करके स्वयंवर को अपनी आंखों से देखो, दोनों बालकों ने गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा का पालन करते हुए महाराजा जनक के दरबार की ओर आगे बढ़ने का गुरु जी का आदेश शिरोधारी किया। आज इस स्वयंवर में बुलाया है, आपकी योग्यता, आपके निपुणता, आपके कला कौशल को देखते हुए मैंने आपको इस स्वयंवर का सहभागी बनने के लिए आमंत्रित किया है। मेरे हृदय का एक संकल्प है, जो कोई इस शिव धनुष का चिन्ह चढ़ाएगा, धनुष भंग करेगा, वो मेरी दुख हमारी सीता के साथ ब्याया जाएगा। Thank you.
ये पवित्र चौपाई हर छंद के साथ हर दुर्घटना के साथ जब भी हम रामायण का पाठ करते हैं तो इसी के अंदर पढ़ते हैं। परशुराम जी को बहुत